वोट देना है लेकिन वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है तो क्या आपसे आपका ये अधिकार छिन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, घबराइए नहीं आप। दरअसल मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये बीते एस्टेट कलेक्ट्रेट में लगाया गया है जिस पर निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ विशेष जानकारियां साझा की गई हैं सभी मतदाताओं के लिए। आप देख सकते हैं कि इस पे स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि मतदाता कुछ दस्तावेजों का उपयोग करके भी मतदान के इस कार्य को पूरा कर सकते हैं यानी कि वोट दे सकते हैं। तो ज़रा आप देखिए कि सबसे पहले वहाँ पे मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड का जिक्र किया गया है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID, सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जो कि श्रम मंत्रालय से आपको रिलीज किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों या फिर विधानसभा सदस्यों या फिर विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र या फिर मनरेगा जॉब कार्ड। इन सभी दस्तावेजों का उपयोग करके भी आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं और आप अपने अधिकार की पूर्ति कर सकते हैं, अपने लिए सरकार का गठन कर सकते हैं, सरकार का चुनाव कर सकते हैं। तो उम्मीद यही है ये जानकारी आपको पसंद आएगी और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपनी भूमिका बखूबी निभा पाएंगे। लोकल 18 के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट।